देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले कई घंटों से हो रही बारिश की वजह से हालात अस्त व्यस्त बने हुए हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और यातायात पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। इस वजह से न सिर्फ दो लोगों की मौत हो गई, बल्कि वडाला के एंटोप हिल में लेलॉयड एस्टेट बिल्डिंग से सटी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की जमीन भी धसक गई। यहां मौके पर फायर ब्रिगेड और बचाव दल के लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जमीन धसकने की वजह से करीब 15 से 20 कारें मलबे के नीचे दब गई हैं। हमारा भी आर्किटेक्ट आया था, उनका भी कोर्ट से आर्किटेक्ट अपॉइंट किया था। वो आर्किटेक्ट और ये मिली भगत, और कोर्ट ने क्या बोला कि केस अभी स्टे है, अभी आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसको वाइब्रेटर चलाने से आप देख सकते हो पत्थर है, ये जमीन का पहाड़ है, ये पहाड़ के जो तोड़ने का जो काम है उससे पूरा पानी इधर भरा हुआ है। वो लोग तो क्योरिंग करने के लिए पानी भरते थे, ये सब पानी हमारे बिल्डिंग में आ गया। ये कंस्ट्रक्शन के वजह से ये बिल्डिंग का डैमेज हुआ है, तो ये तो बिल्डिंग वालों ने हम लोग तो कंप्लेन किया है, दे हैव टेकन बिट माइनर रिपेयरिंग एंड ऑल दिस थिंग। ये जो डैमेज हुआ है, ये बिल्डिंग भी हुआ है, वो बिल्डिंग भी हुआ है। बारिश के कारण मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। रेल लाइंस पर पानी भर जाने से वेस्टर्न हार्बर और सेंट्रल लाइन देरी से चल रही हैं, जिस वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार से झमाझम बारिश गिर रही है, ठीक है, लेकिन एज यूजुअल बीएमसी दावे करती है कि भाई बारिश हो रही है, हमने अपने रोड के काम कर दिए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि रोड के ऊपर जैसे पानी बरस रहा है वैसे रोड के ऊपर जमा भी हो रहा है, तो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। बाकी बारिश में जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज की तारीख में ट्रेनें लेट चल रही है और ट्रैफिक में भी जो बेचारे पुलिस वाले जो हम लोग के ड्यूटी पे मुस्तैद हैं उन लोगों को भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। अभी लग रहा है कि दो दिन और बारिश हो गई तो फिर से वैसे हालत हो जाएंगे, तो इस बार मेट्रो का भी काम चल रहा है, तो आई डोंट नो हाउ दे विल मैनेज, होपफुली अच्छा हो। मुंबई में हो रही इस बारिश की वजह से कुछ जगहों पर स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी की जा चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले करीब दो दिनों तक शहर में यूं ही पानी बरसता रहेगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला टीवी मुंबई।